कभी कभी एक बात पे बड़ी हैरानी होती है कि जो जो रंग हमारी आंखें देख सकती हैं, लाल से लेके ब्लू इंडिगो तक, उसमें बहुत सारे आते हैं, हरे पीले वगैरह, उन्हीं रंगों में हमारा जो वायुमंडल है वो ट्रांसपेरेंट है। एक सवाल आया था कि सुना है कि बीज अल्ट्रा वायलेट देख सकती हैं, वायलेट रंग होता है ना, उससे भी छोटी वेवलेंथ का, तो क्या उनको दुनिया ऐसे ही दिखती है? होता यह है कि जो लाइट हमें व्हाइट दिखती है, असल में 7 अलग रंगों का मिश्रण होती है। रंगों के इस मिश्रण को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसके एक सिरे पर वायलेट और दूसरे सिरे पर रेड कलर होता है, और इन दोनों के बीच आते हैं इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, जिसे विबग्योर भी कहते हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि मधुमक्खी विजिबल लाइट में भी अलग रंगों को पहचान सकती है। ये एक एवोल्यूशनरी और बायोलॉजिकल एडवांटेज है। इसके अलावा वो अल्ट्रा वायलेट रेज के बहुत आगे तक भी देख सकती हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम का लाल रंग उन्हें काला दिखाई देता है या फिर नहीं दिखता। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे वो वायलेट से रेड की तरफ जाती हैं, उनकी देखने की क्षमता कम होती जाती है। इसी वजह से वो कभी सनराइज या सनसेट की लालिमा का लुत्फ नहीं उठा सकती। इसी तरह हवा के कणों से स्कैटरिंग के पश्चात दिखने वाला आकाश का रंग जहां हमें नीला दिखता है, वहीं आकाश मधुमक्खियों को अल्ट्रा वायलेटली ब्लू दिखता है। तो हमारी ट्रैफिक लाइट हमारे लिए तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि लाल रंग जो है बड़ी आसानी से हवा से निकल के बड़ी दूर चला जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता हवा में। पर उनके लिए अच्छी नहीं है, एब्जॉर्ब ना भी हो तो उनको दिखता नहीं बड़ा अच्छा।